हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, यानी कि 26 अगस्त को मेडिकल होगा और 16 अक्टूबर को होगा आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। और जो उस एग्जाम के जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपको 10 अक्टूबर तक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम, यानी कि जो दानापुर में बिहार रेजिमेंटों का जो सेंटर है वहाँ पर रिलेशन की भर्ती प्लस स्पोर्ट्समैन की भर्ती आ गई है। और वहाँ पर क्या करना है, आपने भर्ती जाने के लिए डायरेक्ट भर्ती देखने के लिए जाना है। आप लोगों की वहाँ डायरेक्ट दौड़ शुरू होगी, आपने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, जो भी काम होगा आपका उस बिहार रेजिमेंट के सेंटर में ही होगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियोस में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप छोटा सा वीडियो बताता हूँ मैं। तो दोस्तों, पहले आपको जो 17 तारीख को यानी कि आपको वह पहुँचना है, सबसे पहले आपका यानी जो कौन कौन से गेम के लिए है, 17 और 18 अगस्त के लिए है। जो 17 अगस्त के लिए दोस्तों जो आपका ट्रायल होगा स्पोर्ट्समैन की भर्ती के लिए, जो बच्चे यानी वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और क्रॉस कंट्री और बॉक्सिंग और रेसलिंग यानी कुश्ती, इन गेमों से जो बच्चे संबंध रखते हैं तो वो 17 अगस्त को आप लोगों को दानापुर में जो बिहार रेजिमेंट है वहाँ पर सुबह पहुँचना है 5 बजे। यानी जो उनके जो ग्राउंड है वहाँ पर रैली साइड का, वहाँ सुबह आपको 5 बजे पहुँच जाना है अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के। उसके बाद दोस्तों 18 अगस्त को जो बच्चा फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, आर्चरी, ड्राइविंग एंड स्विमिंग यानी इन गेमों से जो ताल्लुकात रखते हैं उन बच्चों को 18 अगस्त को पहुंचना है, वही सेम टाइम यानी 5 बजे पहुंचना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यानी कि जो बच्चे ये जो ट्रायल में पास हो जाएंगे उसके बाद यानी कि 19 और 20 अगस्त को इनका जो नेक्स्ट आगे कार्रवाई आपका रनिंग होगा, इनका फिजिकल होगा, वो 19 और 20 अगस्त को होगा। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं हम 19 अगस्त को क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा और रजिस्ट्रेशन होगा। यानी जो बच्चे हैं उनका वहाँ पर 19 अगस्त को, जो बाकी के हैं उनका स्क्रीनिंग होगा, वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा आपका। उसके बाद कौन कौन से बच्चों को होगा, यहाँ पर ये है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर जनरल ड्यूटी नेशनल अब्लिक इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा वहीं पर और उनका स्क्रीनिंग भी होगा स्पोर्ट्समैनों का। उसके बाद बात करें अग्निवीर क्लर्क फॉर ऑल स्टेट, यानी जो अगर अग्निवीर जो क्लर्क्स की भर्ती देखना चाहते हैं यानी जो स्पोर्ट्समैन के अंदर जो आते हैं बच्चे पूरे सभी स्टेटों के मतलब उसमें एक्सेप्ट हैं, ठीक है। उसके बाद इन बच्चों को पहुंचना है दोस्तों 4 बजे, यानी जो रैली साइट है वहां पर उनको 4 बजे वहां पर पहुंचना है 19 अगस्त को। उसके बाद बात करेंगे 20 अगस्त की, तो 20 अगस्त को भी दोस्तों स्क्रीनिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगा अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन का, अग्निवीर ट्रेड्समैन एंड अग्निवीर क्लर्क। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चे सिर्फ बिहार से ताल्लुकात रखने हैं, सिर्फ ये बाकी स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होगा, जो बिहार के बच्चे हैं उन्हीं का है 20 अगस्त को, ठीक है। और उसको इनको पहुँचना है ग्राउंड में सुबह 4 बजे, इनको भी जो रैली साइड में वहाँ पर जो यानी रेजिमेंटल का जो उनका ग्राउंड है वहाँ पर सुबह 4 बजे आप लोगों को पहुँच जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, 21 से लेकर 25 अगस्त के बीच में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अग्निवीर जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन एंड अग्निवीर क्लर्क, यानी जो भी बच्चे हैं उन्होंने ट्रायल दिया है, भर्ती देखी है, सभी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, पूरा डॉक्यूमेंट इनका चेक किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनके चाहिए, क्या क्या वहाँ पर लिखा पड़ी होगी, जो भी लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो चीज़ डॉक्यूमेंट आप पे चढ़ाएंगे वो कार्रवाई होगी 21 से 25 अगस्त के बीच में। तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो रैली साइड में ग्राउंड है वहाँ पर सुबह 7 बजे आप लोगों को पहुँचना है मॉर्निंग में। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यानी कि जो 21 से 25 जब सारा काम इनका हो जाएगा तो 26 अगस्त को होगा इनका मेडिकल, जो मेडिकल होता है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यानी कि जो कैंडिडेट इस चीज़ में चुन लिए जाएंगे यानी जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको मेडिकल इंस्पेक्शन रूम ऑन गिवन डेट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हाजिर होना है 26 अगस्त को। उसके बाद दोस्तों 16 अक्टूबर को तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑल कैटेगरी हु हैव बीन डिक्लेयर्ड फिजिकली एंड मेडिकली फिट, यानी कि जो बच्चे सारे फिजिकल में और मेडिकल में फिट पाए जाएंगे उनका 16 अक्टूबर को यानी कि अपना उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और 10 तारीख को उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी खबर, यानी कि जो बच्चे काफ़ी देर से दानापुर सेंटर के लिए बिहार रेजिमेंट के लिए जो भर्ती की आस लगाए बैठे थे, उम्मीद कर रहे थे कि हम जो भी उसमें भर्ती आएगी तो उसको हम देखेंगे, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। तो वहाँ पर भी आपने सिर्फ क्या करना है, काफ़ी बच्चों के लिए मैंने बता दिया, बाकी नोटिफिकेशन को भी मैं इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसका, तो वहाँ पर भी आप आराम से पढ़ लेना। ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती भी है स्पोर्ट्समैन की और बाकी रिलेशन वाली भर्ती वही जो यानी कि जो बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं उनके लिए, और काफ़ी कुछ भर्ती इसमें यानी जो सिर्फ बिहार के ही हैं बाकी स्टेटों के नहीं हैं उनकी भी इसमें भर्ती है, यानी सभी तरह की भर्ती इसमें है।
तो जो भाई भी जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं दिन रात अपना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चे जो स्पोर्ट्समैन से भर्ती देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।